यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो कुछ भी प्रोटीन है ये प्रोटीन किस किस फॉर्म में प्रेजेंट हो सकता है, यानी कितने तरह के स्ट्रक्चर ये एडॉप्ट कर सकता है, तो कौन कौन से एडॉप्ट कर सकता है ये प्रोटीन? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, ठीक है। ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन हुआ है? बेसिस क्या है क्लासिफाई करने का? अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फिगरेशन। अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्फिगरेशन, और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी के जो बॉन्ड होंगे वो बॉन्ड भी कितने होते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक दूसरे का बॉन्ड देखा जाए कि कौन कौन सा बॉन्ड किसमें प्रेजेंट है, तो हम लोग देखेंगे काफी डिफरेंस है। जैसे कि प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, तो जैसे कि हमने तुमको कहा था थ्री लेटर कोड लेना, वन लेटर कोड याद किया है? पी जी सर, अभी कर रही हूँ, मतलब पूरा नहीं हुआ सर। आर का क्या मतलब? क्या सर? यहाँ पे बन है पी आर, ये जो हमने एरो किया है ये नहीं कौन सर, सा है? कोलिन प्रोटीन के बाद क्या है? कमान एलानाइन, एस्पार्टेट, एस्पार्टेट उसके एस्पार्टेट सर, बाद लाइसिन, ये जितने थ्रियोनाइन। अमीनो एसिड दिख रहे हैं, प्रोलीन, अलानिन, एसिटिक एसिड, लाइसिन, थ्रियोनाइन, वैलिन, ये सब एक दूसरे से किस बॉन्ड के थ्रू अटैच है? पेप्टाइड पेप्टाइड बॉन्ड। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या पाया जाता है? ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है, ओनली पेप्टाइड बॉन्ड, नो अदर बॉन्ड इज प्रेजेंट इन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ठीक है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है जैसे कि अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लीटेड सीट, ठीक है, बीटा प्लीटेड सीट लगाता है, पैरेलल बीटा सीट या एंटी पैरेलल बीटा सीट, ये अलग अलग टाइप है सेकेंडरी स्ट्रक्चर के। तो ये जो अलग अलग तरह के बीटा सीट स्ट्रक्चर हैं, ठीक है, इसमें जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रोटीन पाया जाता है, बॉन्ड पाया जाएगा, वो कौन कौन सा बॉन्ड होगा? पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड, दो तरह के बॉन्ड इसमें प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड एज वेल एज हाइड्रोजन बॉन्ड। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है इसमें कौन कौन से बॉन्ड पाए जाएंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर एक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टेटिक इंटरेक्शन, डाइसल्फाइड बॉन्ड, इतने अलग अलग तरह के बॉन्ड हैं। और जब बहुत सारे टर्शरी स्ट्रक्चर या एक से अधिक यूनिट जो है आपस में अटैच्ड हो जाए तो फॉर्म करता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जैसे कि एग्जांपल क्वाटरनरी का हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ठीक है, इससे भी वो सारे बॉन्ड प्रेजेंट होंगे जो टर्शरी में पाए जाते हैं। जैसे कि क्वाटरनरी में भी प्रेजेंट होगा पेप्टाइड बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, वैन डर एक्शन, ये सब सारे बॉन्ड जो हमने टर्शरी में बताए वो क्वार्टरनरी में भी प्रेजेंट होगा। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का बेस्ट एग्जांपल कौन सा है? हीमोग्लोबिन। और टर्शरी स्ट्रक्चर मायोग्लोबिन किसका एग्जांपल है? क्वार्टरनरी या टर्शरी? मायोग्लोबिन, टर्शरी सर। मायोग्लोबिन इज एग्जांपल ऑफ टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो बॉन्ड कुछ डिफरेंस मान रहा कि कौन सा बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होता है? अगर सर पूछा जाए कि वेंडर वाल इंडेक्स किसमें प्रेजेंट होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, इन तीनों में से, तो किसमें होगा? टर्शरी में टर्शरी में। पेप्टाइड बॉन्ड एंड हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें प्रेजेंट होगा? सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, तीनों में प्रेजेंट होगा, ठीक है ना। हाँ, अब जो है प्रोटीन जब तक फोल्ड नहीं होगा अच्छे से, ठीक है, तब तक प्रोटीन फंक्शनल नहीं हो पाता है। प्रोटीन को फंक्शनल होने के लिए फोल्डिंग जरूरी है, ठीक है, और प्रोटीन फोल्डिंग कुछ एंजाइम के प्रेजेंस में होता है जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम। प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम चाहिए होता है प्रोटीन को फोल्डने के लिए और उसको फंक्शनली कैरी करने के लिए। जैसे कि कुछ प्रोटीन फोल्डिंग एंजाइम के नाम क्या है? प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज, पीडीआई, पेप्टाइड प्रोलिसिस ट्रांस आइसोमरेज, पीपीआई, ये सब जो भी नाम हम बता रहे हैं किसमें हेल्प करते हैं? प्रोटीन के फोल्डिंग, ठीक है। कुछ
कुछ चैपिकॉन्स प्रोटीन है, सेपिगॉन प्रोटीन, सेपिगोनिन है, ये सब भी हेल्प करता है फोल्डिंग में। अगर कहीं पे लिखा हो HSP-70 चैपिगोनिन या चैपिगॉन्स, तो उसको हम क्या समझेंगे कि वो प्रोटीन के फोल्डिंग में हेल्प कर रहा है। HSP का फुल फॉर्म होगा हीट सॉक प्रोटीन। क्या होता है? हीट सॉक प्रोटीन। ये सब क्या करते हैं? HSP-70 चैपिगॉन्स है, PDI है, PPI है, ये सब किसमें रोल प्ले कर रहे हैं? प्रोटीन फोल्डिंग में, प्रोटीन के फोल्डिंग में। प्रोटीन डाइसल्फाइड आइसोमरेज के साथ जो है कुछ टर्म लिखा है, इज अ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंजाइम दैट कैटालाइजेस द इंटरचेंज और सफलिंग ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड्स अंटिल द बॉन्ड ऑफ द नेटिव कंफर्मेशन आर फॉर्म्ड। इसका क्या मीनिंग होगा? ये सफलिंग करता है या इंटरचेंज करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के, और तब तक करता है जब तक कि नेटिव कंफर्मेशन ना आ जाए। इसका क्या मीनिंग है? मतलब सर, ये प्रोटीन को उतना तक फोल्ड करता है जब तक ये नेटिव फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो जाता। बताते हैं अभी, ठीक है जी सर। जैसे मान लो कि ये कुछ सीक्वेंसेस हैं, पहले पोजीशन पे सिस्टीन है, तीसरे पोजीशन पे सिस्टीन है, और फिर सातवें पोजीशन पे सिस्टीन है, एज्यूम करो, ठीक है। प्रोटीन जब फोल्ड हुआ, ऐसे जब प्रोटीन फोल्ड हो रहा है, तो पहला पोजीशन कंबाइन हो गया सातवें पोजीशन से। संभव है, पॉसिबिलिटी है ऐसा कि फर्स्ट पोजीशन ऑफ सिस्टीन गेट्स कंबाइंड विथ सेवंथ पोजीशन, लेकिन जो नेटिव कंफर्मेशन है प्रोटीन का, नेटिव कंफर्मेशन, जब नेटिव कंफर्मेशन है या ओरिजिनल कंफर्मेशन हम कहें इस प्रोटीन का, वो 3:7 का है, मतलब तीसरा सातवां से कंबाइन होना चाहिए, या हम कहें कि पहला सातवां से कंबाइन होना चाहिए, यही एज्यूम करके चलो कि फर्स्ट कंबाइन होना चाहिए सेवंथ से, तब जाके ये क्या होगा? एक्टिव बनेगा, यही इसका नेटिव फॉर्म है। तो जब तक ये पहला सातवां से कंबाइन न कर जाए, तब तक उसको रिसफल करता रहेगा। ये पीडीआई एंजाइम क्या करेगा? डाइसल्फाइड बॉन्ड को रिसफल करते रहता है, इंटरचेंज करते रहता है, तब तक जब तक कि नेटिव कंफर्मेशन अटेंड ना हो जाए, अचीव ना हो जाए, ठीक है जी सर। ये प्रोलिल सिस ट्रांस आइसोमेरेज क्या करता है? कैटालाइजेस द एंटायर कन्वर्जन ऑफ द सिस एंड ट्रांस आइसोमर ऑफ प्रोलीन रेसिड्यू। प्रोलीन रेसिड्यू जो है, हमने बताया था कि प्रोलीन एक एक्सेप्शन टाइप का है। एक्सेप्शन क्यों है ये? व्हाई प्रोलीन इज एन एक्सेप्शन? इट हैज इम्यूनो ग्रुप। इट हैज इम्यूनो ग्रुप। तो वो जो है इम्यूनो ग्रुप है, तो वो दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, सिस ट्रांस फॉर्म में, तो उसमें इंटर कन्वर्जन कराते रहता है। तो क्वेश्चन पूछे कि विच एंजाइम इंटर कन्वर्ट द प्रोलीन रेसिड्यू, तो क्या आंसर होगा? प्रोलिल सिस ट्रांस आइसोमेरेज, PPI। क्वेश्चन में कहे कि विच ऑफ द एंजाइम इंटरचेंज द डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, तो क्या लगाएंगे वहां पे? PPI सर। डाइसल्फाइड बॉन्ड का इंटरचेंज कौन करेगा? PDI। और प्रोलीन रेसिड्यू का इंटर कन्वर्जन कौन करेगा? PPI। और HSP-70 का क्या रोल है? HSP-70 सेपिगॉन का? इट हेल्प्स इन प्रोटीन फोल्डिंग। हाँ, इट हेल्प्स इन प्रोटीन फोल्डिंग एज वेल एज डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है ना। ये सब रोल है इसका HSP-70 का। अरे, जो प्रोटीन बन गया, मान लो कि रॉन्गली फॉर्म हो गया, गलत फॉर्म हो गया, या रॉन्ग बाइंडिंग हो गया, रॉन्ग फोल्डिंग हो गया, या प्रोटीन अब नहीं चाहिए सेल में, उसको डिग्रेड करना है, ब्रेक करना है।